हेलो एवरीबॉडी गुड इवनिंग वेलकम टू द सेशन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एन अकेडमी सेपियंस आई एम डॉक्टर प्रणाली मिश्रा एंड आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी का फुल सिलेबस मॉक सो आर यू रेडी फॉर दिस मॉक गाइस आर यू रेडी तो लेट मी सी कौन कौन आ चुका है गंगाधर दीपिका हिमांशु निकिता श्याम संजय श्वेता सिया तहेर सोनाली सोनिया दिव्यानी इशिता रश्मि कशिश मंजू विंकल मनोज एंड 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 हु एवरीबडी गुड इवनिंग वेलकम टू द सेशन जल्दी जल्दी से अपने जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सब में जाके बता दो दैट मैम इज लाइव सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ आर सेशन फॉर द डे मैम इज लाइव जल्दी से बता दो सो दैट सभी बच्चे पूरे नाइन्टी क्वेश्चन में ज्वाइन कर पाए है ना बच्चे पूरे नाइन्टी क्वेश्चन में ज्वाइन कर पाए इसीलिए बता दो सभी को कि लाइव है बीच क्वेश्चन में आएंगे तो फिर मार्क्स एनालिसिस नहीं कर पाएंगे हम नाइन्टी क्वेश्चन करते हैं नाइन्टी क्वेश्चन कम्प्लीट करते हैं हम लोग सिक्सटी मिनट्स में और फिर मार्क्स भी कैलकुलेट करते हैं कि सही है कि नहीं आ रहे थ्री सिक्सटी में से कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितनी और मेहनत करना ज़रूरी है नीट यूजी में बायोलॉजी में थ्री फोर्टी तक मार्क्स लाने के लिए

इस बैच में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ कंप्लीट होगा सभी टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस है एक्सपर्ट बैच बोला जाता है इस बैच को और आप लोगों को पूरा नीट ट्वेंटी टू का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेशन अनन्या निकिता दबालना हर्षित नीरज मंजू सादाब अखिलेश ऋषि ईशान हिमांशु रश्मि ऐश्वन्या सोनाली अमेजिंग सिया एवरीबॉडी हेलो बेटा रिजू तो आप जब भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको कोड यूज़ करना है द कोड इज डॉक्टर प्रणाली लाइव क्या कोड है डॉक्टर प्रणाली लाइव इससे आपको टेन परसेंट ऑफ मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन पर आप ट्वेल्व मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ये बैचेस ज्वाइन करने के लिए आपको टू मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा एक्स्ट्रा मिलेगा और शुरू करते हैं आज का सेशन आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी अराइव्ड और मैं तो बोलती हूँ कि बच्चों को बिल्कुल टाइम पर आना चाहिए बिकॉज पंक्चुअलिटी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डॉक्टर डॉक्टर इज ऑलवेज पंक्चुअल अभी से ये ट्रेट अपने अंदर लाना शुरू करो तो पंक्चुअल होते हो सभी के ओ एम आर रेडी है क्या आर योर ओ एम आरस रेडी गाइस सबका ओ एम आर रेडी है शुरू कर दे क्या आज का सेशन फिर चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी बच्चों का ओ एम आर रेडी है सेशन स्टार्ट करने पहले से जो भी बच्चे नए हैं मैं उन लोगों को रिपीट करना चाहती हूँ कि हम लोगों का मॉक बेसिकली क्या होता है हम लोग सिक्सटी मिनट्स में नाइन्टी क्वेश्चन करेंगे फुल सिलेबस बायोलॉजी होगा फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड थिंग इज आपको ओ एम आर में ये प्रैक्टिस करना है जो भी बच्चा ओ एम आर नहीं है अभी उसके पास वो क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 180 तक लिख लो नंबर और उसके आगे सी बी जो भी आंसर से आपके वो लिखो आप साथ में सॉल्व करते जाएंगे मैं आप लोगों को मार्क्स बताते जाऊंगी कि 91 का आपने क्या आंसर बोला है और क्या करेक्ट है फिर इस तरीके से आपको ओएमआर मार्क भी करनी है और आपको चेक भी करना है कि आपने सही करा है या नहीं करा है सो इज दिस क्लियर चेक करते जाओगे ना साथ में चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेशन के आखिरी में आप लोगों को मुझे अपने मार्क्स बताना है सो गाइज आई एम स्टार्टिंग विथ द सेशन ओके सो टाइम हो रहा है सेवन फाइव ऑन द क्लॉक हम पूरा इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगेमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गेमीट आइसोगेमी है पर नॉन फ्लैजलेटेड गेमीट्स हैं तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से ओ एम आर में मार्क कर लीजिए वेरी गुड द आंसर इज फोर स्पायरोगायरा ये क्या शो करता है आइसोगेमी शो करता है क्योंकि इसमें जो है गेमीट्सॉजिकल सिमिलर सेम आइसोगेमी पर नॉन फ्लैजिलेटेड फ्लजिला नहीं है क्वेश्चन नंबर टू फाइव किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन था ना आर एच विट्टेकर ने किया था 1969 पर किस चीज पर बेस्ड नहीं है आर एच विट्टेकर जी का ये क्लासिफिकेशन इनमें से कौन सी चीज पर बेस्ड नहीं है ये आपको बताना है ओके सो क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू आई एम एक्सपेक्टिंग आप लोग पोल लगा चुके हो वेरी गुड तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अमेजिंग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यस वेरी गुड वेरी गुड दिव्यानी, तपेश नाइस एवरीबॉडी ठीक है

मस्कैरिया ये जो फंगस होती है ये क्या होती है ये बिल्कुल ही बिल्कुल क्या होती है हेलुसिनोजन हेलुसिनोजन होती है कंपाउंड प्रोड्यूस करती है जिसको मस्कीमोल बोलते हैं नेक्स्ट आरके बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया आरके बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में कहां पर जाकर डिफरेंस आ जाता है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर ठीक है बिल्कुल नाइंटी फोर ओके

विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट चारा चारा के बारे में कौन सा गलत है ये वाला क्वेश्चन कल की मॉक में भी रिपीट हुआ था ठीक है कल की मॉक में भी रिपीट हुआ था अब टाइम है इसको सही करने का है ना तो बता दीजिए कौन सा स्टेटमेंट इज रोंग अबाउट चारा मैं सभी बच्चों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ कि आप लोग आंसर दे रहे हैं सही दे रहे हैं नहीं दे रहे आई एम नॉट जस्ट टेकिंग द नेम्स है न ठीक है ओके सो इट इज ये रॉन्ग है अपर उगोनियम होता है अपर क्या होता है उगोनियम होता है और जो लोअर होता है ना फीमेल हमेशा ऊपर होती है अपर कौन सा होगा उगोनियम लोअर है ना लोअर कौन सा होगा एंथरीडियम ठीक है चलिए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन पीट फॉर्मेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स पीट फॉर्मेशन बिल्कुल सही आंसर बताना है आपको वेरी गुड स्पैगनम स्फैगनम क्या है बेसिकली अ मॉस है ठीक है स्फैगनम इज अ मॉस जो पीट फॉर्मेशन करता है है ना इट इज यूज एज दूल फ्यूल की तरह यूज होता है क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन किसका प्लेसेंटा भी खा लेते हैं किसका पेरिकार्प भी खा लेते हैं ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 97 सेवन गाइस किसका प्लेसेंटा पेरिकार्प मुझे लगता आप अंडरलाइन कर चुके हो द आंसर जो टमेटो होगा ऐसा फ्रूट है बेसिकली, इसका प्लेसेंटा भी एडिबल है और इसका पेरिकार्प भी एडिबल है तो 97 सेवन का थ्री वेन द मार्जिन ऑफ ओवरलैप ईच अदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन ओवरलैप कर रहे हैं पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है है ना इसको कौन सा अपन बोलेंगे इसको कौन सा एस्टिवेशन बोला जाएगा गाइस तो जब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है तो इसको इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोला जाता है इसका एग्जाम्पल होता है गुलमोहर इसका एग्जाम्पल क्या होता है गुलमोहर नेक्स्ट ठीक है आपको एक ओल्ड पीस मिला है डाइकॉट स्टेम का और डायकॉट रूट का तो आप क्या बताएंगे है ना कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जिससे आप बता देंगे कि ये पीस डायकॉट स्टेम का है और ये पीस डायकॉट रूट का है ठीक है इसके मदद से आप लोग बता पाएंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन को नाइनटी नाइन को बता दीजिए ओ एम आर साथ में फिल करते रहना है है ना तभी मजा आएगा जब आप नाइन्टी क्वेश्चन सिक्सटी मिनट में ओ एम आर में फिल कर लेंगे ना तो एग्जाम में आपकी जो एफिशिएंसी होगी उससे बेटर किसी की एफिशिएंसी नहीं होगी है ना प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स परफेक्ट सो 99 का क्या आंसर है 99 का हो जाएगा थ्री दैट इज प्रोटोजाइलम तो जो स्टेम होती है स्टेम होती है ना डाइकोट प्लांट की इसमें क्या होगा प्रोटोजाइलम जो रहेगा सेंटर प्रोटोजाइलम सेंटर और जो मेटाजाइलम रहेगा ये रहेगा टूवर्ड्स दी पेरी ठीक है ये जो अरेंजमेंट होता है ना प्राइमरी जाइलम का इसे एंडार्क बोलते हैं लेकिन जो रूट्स होती हैं जो रूट्स होती हैं किसकी डायकॉट की, की उसमें क्या होता है प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स दी फेरी एंड मेटअपाइलम लाइट्स टुवर्ड्स दी सेंटर इसको हम एग्जार्क बोलते हैं तो प्रोटोजाइलम के बेसिस पे हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बताइए कौन सा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड कौन सा स्टेटमेंट विल बी राइट चारों पढ़ लीजिए वेरी गुड द आंसर इज अ प्रोटीनेशियस ग्रेन लेन मतलब प्रोटीनशियस मैम बाकी सारे स्टेटमेंट क्यों गलत है क्यों क्योंकि जो मैंगो होता है पार्थेनोकार्पिक नहीं है इट इज अड बियरिंग फ्रूट क्या बियर करता है सीड बियर करता है स्टराइल स्टेमन ठीक है स्टराइल स्टेमन को बोला जाता है स्टेमिनोड Still को नहीं बोला जाता है और जो सीड्स रहते हैं ग्रास में दे आर एंडोस्पर्मिक नॉट एंडोस्पर्मिक नहीं दे आर एंडोस्पर्मिक तो आंसर हो गया थ्री ट्रैक्यूरी एलिमेंट इन ट्रैकिड्स में और ट्रैक्यूरी एलिमेंट में कहा जाकर डिफरेंस आ जाता है क्वेश्चन नंबर वन ओ वन ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा कहाँ डिफरेंस है ट्रैकिड्स में ट्रैक्यूरी में इट इज बींग इम परफोरेट स जो एंड होंगे ट्रैकिट्स के इनमें परफोरेशन नहीं है ठीक है लेकिन जो ट्रैक्यूरी एलिमेंट्स है इनमें परफोरेशन क्या होता है प्रेजेंट होता है नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल आप लोग बताएंगे क्या एग्जाम्पल होगा एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम का ओके सो इट विल बी वेरी गुड बहुत अच्छे आंसर आ रहे कमेंट बॉक्स में आई एम ऑल्सो रीडिंग दैम उउंड एडिबल स्टैम है कौन करता है अच्छा इसको एनोलॉगस बोलेंगे क्या इसको एनोलॉगस बोलेंगे क्या गाइस एनोलॉगस बोलना क्यों जरूरी है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्योंकि ये यू करियोटिक में है और ये प्रो करियोटिक में है देयर स्ट्रक्चर विल भी डिफरेंट पर फंक्शन सेम होगा तो ऐसे ऑर्गन को क्या बोलते हैं एनालॉगस बोलते हैं ना तो माल्टोकॉन्ड्रिया के एनोलॉगस कौन है फोर इट विल बी मीजोजोम क्या हो जाएगा बिल्कुल मीजोजोम नेक्स्ट द सॉलिड लीनियर साइटोस्कैलिटल एलिमेंट लीनियर है साइटोस्कैलिटल एलिमेंट है जिसका डायामीटर होता है सिक्स नैनोमीटर का एंड इट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोवर सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर से बना है इसका एग्जाम्पल क्या है वन जीरो फोर इसका आंसर क्या है वेरी गुड इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोफिलाेंट्स माइक्रोफिलाेंट्स क्या होती हैं? दे आर लॉन्ग ठीक है लंबी होती हैं, दे आर सिलेंड्रिकल ये सिलेंड्रिकल होती हैं सिलेंड्रिकल रॉड जैसी होती है ना रॉड जैसी होती है प्रोटीन की बनी होती है प्रोटीन फिलामेंट्स होती हैं सिक्स नैनोमीटर इन दी डायामी होती है एंड दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन का बना है नेक्स्ट ऑसमोटिकलूलेटेड सेल का कौन रेगुलेट करता है क्वेश्चन नंबर वन जीरो फाइव कौन रेगुलेट करेगा ऑस्मोटिक एक्सपांशन को कौन रेगुलेट करेगा ठीक है वेरी गुड ऑस्मोटिक एक्सपांशन

इस में जो अमाउंट ऑफ डी एन ए तुम्हें फोर सी मिलेगा अगर इनिशियल टू सी था तो द आंसर इज दी टू इट इज इन ओनली जी टू ने आपको मैच करना है और करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है मैच द कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर मैच कर देंगे सेंट्रियोल के बारे में सही क्या है क्लोरोफिल के बारे में सही कहा है क्रिस्टे के बारे में सही क्या है बता दीजिए ओके सो वन जीरो सेवन का क्या आंसर होगा द क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन इसका आंसर हो जाता है हमारा वन क्योंकि सेंट्रियोल में जो रहता है दैट इज बेसल बॉडी सीलियर फ्लजिला क्लोरोफिल कहा थाइलोकॉइड क्रिस्टे क्या होते हैं दे आर इन फोल्डिंग ऑफ द मैटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोजाइम इज एन एंजाइम जो आर नेचर का है न्यूक्लिक एसिड नेचर का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर वन ओ एट सब लोग ओ में आंसर कर रहे हो ना वेरी गुड रिजू दिव्यानी रचना अजम अमीर श्रद्धा कशिश पियाली निकिता प्रिंस बैड बॉय नेहा शिवम गंपला अजम प्रिंस दिव्यानी स्निग्धा रचना जेके जिनन मिसबा गोपाल गोपाल शिवम श्रुति तपेश सिया संजय सरला वेरी गुड गाइज वेरी गुड नेक्स्ट डॉक्टर एफ वेंट नोटेड दैट इफ वर प्लेस जॉन अगार फॉर लिया रिमूव कर दिया पे रख लिया तो अगार वुड प्रोड्यूस बेंडिंग वेन प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ फ्रेशली कट कोलियोबॉइल स्टंप ठीक है ऑन वॉट सिग्निफिकेंस इज दिस एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है आप लोगों को ये बताना है What does ये कोलियोपटाइल वाला जो एक्सपेरिमेंट है क्या प्रूव करता है कि इसको काट के अपने अगार में रख दिया तो बेंडिंग शो हो रही है what does it ठीके, हाँ ठीक है तो ये क्या बताता है वेरी गुड वन जीरो एट का क्या आंसर हो जाएगा गाइज गुड गुड ग्रेट ठीक है तो इसमें क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन का आइसोलेशन हुआ है फ्रॉम अवीना कोलियोप्टाइल टिप ठीक है इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑक्सीज ठीक है ऑक्सिन के टेस्ट को अबीना करवेचर टेस्ट भी बोलते हैं ये भी एग्जाम में आ चुका है तो मैंने सोचा इसे बता दूँ डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है नाइट्रोजन के फास्फोरस के सॉरी नाइट्रोजन के और पोटेशियम के सबसे पहले कहाँ विजिबल रहेंगे ठीक है सबसे पहले इनके सिम्टम्स कहाँ विजिबल रहेंगे क्वेश्चन नंबर वन जीरो नाइन तो मुझे लगता है ओ एम आर फिल कर ली है तो इसका मतलब हो जाएगा सेनेसेंट लीव्स ओल्ड लीव्स जो होती है ना वहां पर सबसे पहले इसका सिम्टम्स आएगा क्योंकि ये जो अपने एलिमेंट्स है दे आर द मोबाइल एलिमेंट्स तुरंत ना जैसे ही कमी होती है तो ओल्ड लीव्स से यंग लीव्स में चले जाते हैं तो कमी सबसे पहले कहाँ दिखेगी ओल्ड लीव्स में दिखेगी अमेजिंग नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस सी टू इज नॉट रिलीज्ड सीओ टू रिलीज नहीं होता है सी ओ टू कहाँ रिलीज नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन हम एक दिन अनअकैडमी की मॉक में कर चुके हैं कि सी ओ टू कहाँ रिलीज नहीं होता है वन वन जीरो सी ओ टू कौन सी प्रोसेस में रिलीज नहीं होता है सो द आंसर इज कि क्या होता है कि जब लैक्टेट फर्मेंटेशन होता है ना तो पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड बाय दैक्टेट लैक्टेट एस तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो एन होगा NADH+ ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू NADH+ तो इसीलिए CO2 रिलीज नहीं होगी सो द आंसर इज फोर्थ इट इज लैक्टेट फर्मेंटेशन स्पेलिंग सही नहीं है ना चलिए एनऑक्सजेनिक फोटोसिंथेसिस एनऑक्सजेनिक फोटोसिंथेसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनऑक्सजेनिक फोटोसिंथेसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक है मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है ना मतलब ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है इन फोटोसिंथेसिस उसको एन ऑक्सीजेनिक बोलते हैं ठीक है ठीके? एन ऑक्सीजेनिक एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रोडोस्पायरुलम रोडोस्पायरुलम में क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन है ना ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है इसमें क्यों क्योंकि प्लांट में पी टू नहीं है ना प्लांट लैक्स फोटो सिस्टम टू नेक्स्ट अडलिंग ऑफ टमैटोर कैप्टन डार्क रूम तुम टमैटो की रख दिया बाद में देखा कि जो टमैटो है ये व्हाइट कलर के हो गए है, है ना तो ये टर्म कौन सी टर्म यूज करोगे आप इसको समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर वन वन टू कौन सी टर्म यूज होगी ओके सो द टर्म दिल बी यूजन इट्योलेशन इट्योलेशन क्या होता है तो आंसर हो जाएगा अपना थ्री बेटा इट्योलेशन क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है जिसमें ना जो तुम्हारा प्लांट है जो तुम्हारी सिडलिंग है वो पेल हो गई है पेल हो गई है मतलब इसने अपना रंग खो दिया है ना रंगी बिरंगी नहीं है इन दी एब्सेंस ऑफ द लाइट लाइट एब्सेंट है लाइट एब्सेंट है तो इस वजह से क्या हो गया है पेल हो गई है नेक्स्ट स्ट्रेस हॉर्मोन कौन सा है इसमें से विच हॉर्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हॉर्मोन अब मैं बच्चों को यहाँ पर आउट देना चाहूँगी कौन कौन बच्चे सही आंसर दे रहे हैं निकिता दिव्यानी, रचना धनंजय ओम अजम शेख लीजा नीरज निकिता शिवम दीपक पूर्वा जेके मंतेश्वर पियाली संजय गीतिका अदिति नहीं है क्या अनुज श्रुति सोनिया असलम नेहा वेरी गुड स्ट्रेस हार्मोन इज नोन एज ऐप्सिक एसिड एप्सिक एसिड क्या होता है स्ट्रेस हॉर्मोन होता है जब भी प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में होगा तो एप्सिक एसिड को रिलीज करेगा इससे क्या होगा कि जो स्टोमेटा होता है ना स्टोमेटा हो जाएगा वो क्लोज हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट जीटनोगेमी इन्वॉल्व जीटनोगेमी क्या इन्वॉल्व करता है जीटनोगेमी में क्या चीज होती है जीटनोगेमी में क्या होगा वेरी गुड जीटनोगेमी में वन वन फोर देखो जब एक ही फ्लावर में यहीं से स्टिग्मा पे लैंड कर गया पोलन ग्रेन ये होता है ऑटोगेमी एक ही प्लांट में दो फ्लावर है यहाँ का पोलन ग्रेन जीटनोगेमी प्लांट ही अलग अलग है इट इज़ ठीक है तो हम वन वन फोर का आंसर यहाँ पे बताते हैं क्वेश्चन नंबर वन वन फोर का आंसर हो जाएगा वन कि जो फर्टिलाइजेशन है फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनादर फ्लावर लेकिन प्लांट सेम है तो जब प्लांट सेम होता है तो जेनेटिकली वो सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है पर फंक्शनली वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है पर प्लांट सेम है तो इट इज वर्ड बेटा जब प्लांट सेम है देन इट इज लीस्ट नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है वो कौन सा है ये एनसीआर में नहीं है पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस सो इट इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मेल गेमिटोफाइट मेल गेमिटोफाइट विथ लीस्ट नंबर मेल गेमिटोफाइट विथ लीस्ट नंबर क्या होगा इसका आंसर वेरी गुड इसका आंसर हो जाएगा लीलियम लीलियम क्यों हो जाएगा क्योंकि ये एनजीओ स्पर्म होता है लीलियम लीलियम क्या होता है एनजीओ स्पर्म होता है इसमें मेल गेमिटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड है ठीक है मेल गेमेटोफाइट इज हाइडली रिड्यूस्ड और इसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं इस पोलन ग्रे नेक्स्ट एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप्स फ्रॉम ठीक है एग्रीगेट फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है 116 एग्रीगेट फ्रूट कहाँ से डेवलप होगा क्वेश्चन नंबर 116 बेटा एग्रीगेट फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम राइट एग्रीगेट फ्रूट से डेवलप होता है ठीक है बहुत सारे स्मॉल फ्रूट्स हैं, फ्रूटलेट्स हैं, ये डेवलप होते हैं तुम्हारे सिंगल फ्लावर से, है ना और ये क्या होगा एपोकार्पस, ओवरी या फिर गायनोशियम दिस इज एग्रीगेट नेक्स्ट पोलन टेबलेट्स आर अवेलेबल इन दी मार्केट फॉर पोलन टैबलेट मार्केट्स में क्यों अवेलेबल होती है पोलन टैबलेट्स की अवेलेबिलिटी आपको बताना है पोलन टैबलेट्स की अवेलेबिलिटी बता दो वेरी गुड सो इट इज यूज फॉर सप्लीमेंटिंग फूड फूड सप्लीमेंट क्यों क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस है कि फूड सप्लीमेंट की तरह यूज होती है फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म अपेरेटस ठीक है फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म अपेरेटस अब फिलिफॉर्म अपेरेटस का क्या फंक्शन है वन वन एट तो जो फिलिफॉर्म अपेरेटस रहता है कहां पे प्रेजेंट रहता है इट इज प्रेजेंट एट दी माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ दी सिनर्जिड और ये क्या करता है इट गाइड्स दी एंट्री ऑफ दी पोलन ट्यूब पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है कहां पर गाइड करता है जी बताइए कहाँ पर गाइड करेगा अंदर बेटा उसमें ठीक है नेक्स्ट नॉन एल्बुमिनस सीड नॉन एल्बुमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन ठीक है नॉन एल्बुमिनस सीड कहाँ प्रोड्यूस होता है तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन वन नाइन का कि जो नॉन एल्बुमिनस सीड्स होते हैं इनमें कोई भी रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं रहता इसमें कोई भी रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं रहता है क्योंकि ये यूज हो जाता है जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो इसीलिए वन वन नाइन का जो आंसर हो जाएगा दैट वुड बी दैट वुड बी वॉट दैट वुड बी पी बेटा पी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो सभी लोग विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कोर एन ए स्ट्रैंड एंड कैस्पोमियर कोइल्ड स्ट्रैंड और कैस्पोमियर कहाँ पर प्रेजेंट होता है बताइए कोइल्ड आर एन ए स्ट्रैंड एंड स्पोमियर वेरी गुड तो इसका आंसर हो जाएगा वन ट्वेंटी का इट इज प्रेजेंट इन दी टी एम वी दैट इज टबैको मोजैक वायरस टबैको मोजैक वायरस में प्रेजेंट रहेगाइ आर एन ए जीनोम रहता है ना उसका आर एन ए जेनेटिक मटेरियल रहता है टबैको मोजैक वायरस का जो ये आर एन ए है फिर इसको प्रोटीन कोट सराउंड करके रखता है इसको कैप्सिड बोलते हैं और इस कैप्सिड की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है कैप्सोमियर होती है वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड रॉन्गली मैच कौन सा है गलत मैचिंग किसकी है गलत बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड गाइज गलत कौन सा मैच होगा गलत मैचिंग बतानी है आप लोगों को बता दीजिए जल्दी से हाँ तो गलत मैचिंग एक्चुअल में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए तो बनता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डीएनए से आर एन ए बनने वाली प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए से क्या बनेगा एम आर एन ए बनेगा एम आई राइट बेटा एम आर एन ए बनेगा ना पर यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है कि टी आर एन ए बन रहा है इसीलिए ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग है तो आंसर हो जाएगा वन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर किया था आप लोगों को ये बताना है क्या करा था ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया था नेक्स्ट फ्रूट कलर ऑफ स्क्वाश इज एन एग्जाम्पल ऑफ पहले ये वाले क्वेश्चन जेनेटिक्स में बहुत आते थे ठीक है अब इतने ज्यादा नहीं आते हैं फ्रूट कलर ऑफ दी स्क्वाश ठीक है फ्रूट कलर ऑफ दी स्क्वाश बता दीजिए वन ट्वेंटी थ्री तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द डोमिनेंट एपिस्टेसिस मैम वॉट इज दिस डोमिनेंट एपिस्टेसिस तो बेटा ये अब इतना ज़्यादा नीट में इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत सारे टाइप के एपिस्टेसिस होते पहले पूछ लेते थे ये वायरसेस हियर वायरसेस कैसे होते हैं भैया वायरसेस के बारे में बताइए टी फोर राइट स्टेटमेंट अबाउट वायरस एक होगा जो सही होगा विच वन इज राइट ओके वायरसेस आर डीएनए डीएनएक्लोज इन द प्रोटीन कोट वायरसेस क्या है डीएनए एनक्लोज है प्रोटीन कोट में ठीक है वायरसेस आर द डीएनए दे आर एनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट नेक्स्ट पहला ह्यूमन हार्मोन जो प्रोड्यूस हुआ है डीएनए टेक्नोलॉजी से बताइए पहला कौन सा होगा दिस इज ह्यूमन इंसुलिन नेक्स्ट एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोजोमल डीएनए यूजिंग दी सदन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज सदन हाइब्रिडाइजेशन वाली टेक्निक क्या यूज नहीं करते हैं क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सिक्स वन ट्वेंटी सिक्स पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सिक्स कौन सी टेक्निक नहीं यूज होती है वेरी गुड सो द आंसर इज

ठीक है तो उस एल्गा को कौन सा बोलेंगे जो फ्रूट के फ्रूड के लिए यूज होती है इट इज क्लोरला इट इज ऑल्सो यूज बाई दी स्पेस ट्रेवलर्स विच वैक्टर कैन क्लोन ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए सिर्फ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए होगा स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए बता दीजिए वेरी गुड स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए होगा Plasmid है ना इट कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए लेकिन जैसे बी है तुम्हारा ये बी BAC है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम ये क्या करते हैं ये कॉजमेट होते हैं और ये लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए के लिए यूज होते हैं ये तीनों एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सी टू कंजरवेशन एक्स सी टू कंजरवेशन का क्या एग्जाम्पल है एक्स सी टू का क्या एग्जाम्पल है वॉट इज दी टू कंजरवेशन एक्स सी टू कंजरवेशन का एग्जाम्पल बता दीजिए एक्स सी टू कंजरवेशन का एग्जाम्पल है सीड बैंक सीड बैंक क्या होता है जब वहीं का वहीं पे कंजर्वेशन नहीं करना जहां पे जो चीज मिल रही है उसका कंजर्वेशन वहां नहीं करना है उसका कंजर्वेशन बाहर ले जाके कहीं करना है दैट इज वेरी गुड अ लोकेशन विध लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ लाइकेन ऑन द ट्रीज इंडिकेट्स दैट ठीक है ये ट्री है तुम्हारा सुंदर सा ट्री है इसके ऊपर क्या ग्रो हो रहा है इसके ऊपर लाइकेन ग्रो हो रहा है लाइकेन क्या होता है बेटा लाइकेन इज दी एसोसिएशन बिटवीन दी फंगस एंड दी एलगी जब फंगस और दी एलगी साथ में रहते हैं बड़ी प्यार मोहब्बत से इस इस एसोसिएशन को हम लाइकेन बोलते हैं तो लाइकेन अगर ग्रो कर रहा है तो ये होते हैं गुड इंडिकेटर्स ऑफ दी पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन नहीं है तब ग्रो करेंगे इसका मतलब लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड जहां पे एसो टू पॉल्यूशन होता है लाइकेन वहां पर ग्रो नहीं करते इसीलिए दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ द पॉल्यूशन नेक्स्ट 132 थर्टी टू मैच द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट मैच कर दीजिए वॉट इज राइट मैच कर दीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 132 132 आपको मैच करना है मैं हेल्प करूं कि कर लोगे अच्छा मैम अर्थवॉम क्या होते हैं फ्रेगमेंट करते ऑर्गेनिक मैटर को मतलब ये तो डेटरी गए ठीक है जब न्यू एरिया में जाते हो आप तो वहाँ पर जो आती है बेटा स्पीशी है ना तो द इन्वेडिंग स्पीशी इन द न्यू एरिया न्यू एरिया में जहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है पहली स्पीशी जाती है दैट इज पायनियर स्पीशी ठीक है फिर क्या होगा इकोसिस्टम सर्विसेज तुम्हारे लिए नेचर क्या करके दे रहा है नेचर हमारे लिए क्या करके दे रहा है है ना क्या सर्विस दे रहा है तो पॉलिनेशन करवा रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ जितने ज्यादा बर्थ होंगे उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी ओके सो इज दिस दंसर राइट नेक्स्ट अ स्पीशी इज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द इमीडिएट फ्यूचर ऐसी स्पीशी जिसको फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं उसे क्या बोलेंगे हम जो फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएगी गाइज यू आर आंसरिंग इट वेरी नाइसली आई एम प्राउड ऑफ एवरी वन जो अपनी लाइफ का एक दिन का घंटा एक घंटा इस क्विज को दे रहा है इससे तुम्हारी मैं तो बोलती हूँ साथ में ओ प्रैक्टिस करो है ना इससे आपकी नीट में एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी द आंसर इज क्रिटिकली एंड ये क्लास डेली शाम को सात बजे होती है एंड देर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू कल दिन को बारह बजे टमोरो ट्वेल्व पी कल बारह बजे क्या होने वाला है कल बारह बजे एक टॉपर इंटरव्यू होने वाला है ऑल इंडिया रैंक थ्री है ना अक्षत ही विल विल बी बी कमिंग लाइव ऑन द द सेम चैनल आई टेकिंग इंटरव्यू लास्ट मोमेंट क्या आप बुक्स पढ़नी है क्या स्ट्रेटेजी है कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है जोन ऑफ द एटमोसफियर जहां पर ओजोन प्रेजेंट है तो ओजोन कहा पर प्रेजेंट है ओजोन इज प्रेजेंट इन दी स्ट्रेटोस्फियर ठीक है ओजोन इज प्रेजेंट इन दी दर ओजोन कहाँ पर है स्ट्रेटोसफियर में प्रेजेंट है अगर ओजोन ट्रोपोस्फियर में मिलने लगेगी तो इस ओजोन को हम बैड ओजोन बोलने लगेंगे द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिश रेड लिस्ट ऑफ स्पीशी इनमें से रेड लिस्ट कौन पब्लिश करता है रेड लिस्ट इज पब्लिश बाई टू आई यू सी एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर जल्दी से पोल लगाते हैं ना चलिए कौन सा टेक्सोन मेंशन है जो बोथ मतलब किसमें मराइन वाटर में भी रहने वाले लोग हैं फ्रेश वाटर मतलब देखो अगर एक्वेटिक है मतलब पानी में रहता है मराइन है मतलब सॉल्टी वाटर में रहता है फ्रेश मतलब अपना रिवर वाटर तो वन थर्टी सिक्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इट विल बी निडेरिया फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट है और मराइन वाटर में भी प्रेजेंट है ठीक है कंप्लीटली लैक्स सेल वॉल इनमें से किसमें सेल वॉल एब्सेंट है सेल वॉल इज वॉलेंट तो आपको पता है कि सेल वॉल किसमें एबसेंट रहती है सेल वॉल इज एबसेंट इन दी किंगडम एनिमेलिया तो इनमें से कौन सा किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करता है इट इज सी जॉर्जोनिया ठीक है ये क्या है इसमें सेल वॉल नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट प्लेरिया पजेज हाई कैपेसिटी ऑफ प्लेरिया के पास किसकी हाई कैपेसिटी है क्या करने की हाई कैपेसिटी है वेरी गुड प्लेरिया के पास कैपेसिटी है बहुत सारा रीजनरेशन करने की अगर प्लेरिया की बॉडी दो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है हर पार्ट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को राइस देता है अ मराइन कार्टिलिजनस फिश दैट प्रोड्यूज इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट कौन सी प्रोड्यूस करती है इसमें से तो द आंसर विल बी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाली होती है टोर्पीडो टोरपीडो इज मराइन कार्टिलेजिनस फिश बेटा इसी स्पीड से आपको MR भी भरते जाना है साथ में चेक भी करते जाना है चूज द करेक्टली मैचड पेयर ठीक है करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है इसमें जो बिल्कुल सही है करेक्ट कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर वन फोर जीरो वेरी गुड तो इसका करेक्ट हो जाएगा एरियोलर जो एरियोलर टिश्यू होता है जो एडिपोज टिश्यू होता है ना दे आर लूज कनेक्टिव टिश्यू तो ये तो गलत है क्योंकि ये भी क्या होना चाहिए लूज होना चाहिए और बताओ मैम तो जो कार्टिलेज होता है वो क्या होना चाहिए स्पेशलाइज होना चाहिए हाँ ठीक है फिर और क्या होगा टेंडन क्या होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू होना चाहिए यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई है चूज द करेक्ट मैच इन चारों में से करेक्ट मैच कौन सा है वन फोर्टी वन करेक्ट मैच कौन सा है इसमें से 141 में करेक्ट मैच कौन सा है लेट मी चेक कमेंट बॉक्स में कौन कौन सही आंसर दे रहा है ओके सो द करेक्ट मैच विल बी दिस जो ट्यूबुलर पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के इट इज अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलिया जो ट्यूब्यूलर पार्ट है नेफ्रॉन का उसमें क्यूबॉइडल एपिथिलिया रहती है ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं फॉर द री इन दी नेफ्रॉन क्यों क्योंकि क्यों इनके ऊपर माइक्रो विलाय वगैरह आने लग जाती है विलाय आने लग जाती है इन दी एस फेस ऑफ दी सेल साइकिल क्या होता है एस फेस क्या होता है एस फेस में क्या होगा क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी टू वॉट विल टेक प्लेस इन दी एस फेस वेरी गुड द आंसर इज वन अमाउंट ऑफ डी एन ए विल डबल इन ईच सेल बेटा डेली क्लास शाम को सात बजे होती है आप तो बिल्कुल आ जाया करो सात बजे फुल सिलेबस मॉक करने के लिए अगर आप ऐसा मॉक करते रहोगे ना तो आपका नीट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी हो पाएगी ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी हो जाएगी और कल 12 बजे एक टॉपर इंटरव्यू होने वाला है सो बी पार्ट ऑफ दिस टॉपर्स इंटरव्यू आप अपने अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ठीक है हाँ थर्ड रैंक आई थी जिसकी ऑल ओवर इंडिया अक्षत कौशिक द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय मोटाइल बैक्टीरिया कैसे चलते हैं मोटाइल बैक्टीरिया दे मूव विद दी फ्लजीला फ्लजीला क्या होती है लोकोमोटरी ऑर्गन है लोकोमोटरी ऑर्गन है मतलब चलने में हेल्प कर रही है बैक्टीरिया को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन कौन सा ऑप्शन नहीं है करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दी एंजाइम एक्शन ठीक है वन फोर्टी फोर सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन बताइए क्या करेक्ट नहीं है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए टाइम दे रही हूं मैं ठीक है ओके सो नॉट करेक्ट पूछा है इन करेक्ट पूछा है द आंसर ओवर हियर इज आंसर इज टू जो मेलोनेट होता है ना ये कॉम्पिटिटिव इनिबीटर होता है ठीक है मेलोनेट इज द कॉम्पिटिटिव इनिबीटर ऑफ दी दिहाइड्रोजेनेस इनक्रीज कंसनट्रेशन होगा सक्सीनेट का तो इनिबिटरी इफेक्ट ऑफ द मेलोनेट रिमूव हो जाएगा ठीक है डज नॉट रिवर्स नहीं है ना बट रिवर्स हो जाता है इनबिशन नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सा है अगेन वेरी इजी क्वेश्चन इसमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है बाकी सारी रिड्यूसिंग है द आंसर इज टू ठीक है नॉन रिड्यूसिंग कौन सी होती है नॉन रिड्यूसिंग अपनी सुक्रोज होती है एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो एंजाइम रिकॉम्बिनेंस है रिकॉम्बिनेस है रिक्वायर्ड एट स्टेज ऑफ मियोसिस मियोसिस की किस स्टेज पर रिक्वायर्ड रहता है 146 बताइए एंजाइम रिकॉम्बिनेस इट इज रिक्वायर्ड एट दैकटीन पैकेटीन पैकेटीन स्टेज पे रिक्वायर्ड होता है 146 ठीक है रिकॉम्बिनेस इज नीडेड ड्यूरिंग दिस फेज नेक्स्ट क्वेश्चन इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन Is out by, जो इनिशियल होती है के में, वो कौन कैरी आउट करता है कौन करेगा इनिशियल होगा इनफेंट्स में प्रेजेंट होता है, को करता है तो क्या, जो अपना मिल्क प्रोटीन है दैट इज कैसी इट विल बी डाइजेस्टेड इन टू दैलशियम कैरा पैसिनेट प्रकटोज एब्सॉर्ब हो रहा है इंटेस्टाइन में किस मेथड से प्रकटोजर्ब हो रहा है जो हो रहा है किस मेथड से हो रहा है बताइए यहाँ आप लोग थोड़ी सी गड़बड़ी कर सकते हैं बेटा डेली क्लास शाम को सात बजे होती है लाइव होती है आप आंसर दे सकते हैं लाइव बॉक्स में ये इसकी बेस्ट बात होती है और आप ओ फिल करने की प्रैक्टिस भी क्लास के पैरल ही करें मेरा ये एम होता है इट इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बहुत सारे बच्चों को क्या लगा बहुत सारे बच्चों को लगा कि द आंसर विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बट नो द आंसर इज फेसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट ठीक है इसका आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज एब्सॉर्ब होता है कैरियर आयन सच एज सोडियम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सेवेंटी परसेंट जो है आपका सीओ टू ये ब्लड में एब्सॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स में किस फॉर्म में सेवेंटी परसेंट बताइए सेवेंटी परसेंट कैसे होगा क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी नाइन ओके सो द आंसर इज बाय द हेल्प ऑफ द बाय कार्बोनेट आयन जो कार्बन डाइऑक्साइड है मेनली ट्रांसपोर्ट होता है बाय कार्बोनेट के फॉर्म में ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी इसको बोलते हैं हम ये दानी आदमी है यूनिवर्सल नहीं सॉरी ये तो लेने वाला है भिकारी आदमी बेटा सॉरी पर्सन विथ अ ब्लड ग्रुप ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपियंट रेसिपियंट है ना सबसे ले लेगा तुम भी दे दो तुम भी दे दो ब्लड ग्रुप है ना ठीक है तो ऐसा क्यों हो जाता है वाई इज इट यूनिवर्सल रेसिपिएंट सो द आंसर कि बी के पास ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है तो इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा इसीलिए ये सबसे ले लेता है इसको एंटीबॉडी का डर नहीं है हाउ डू working न्यूरल सिग्नल अफेक्ट How वर्किंग ऑफ neural हार्ट हाउ डू working न्यूरल the हार्ट हार्ट की वर्किंग को कैसे अफेक्ट करते हैं parasympathetic? आपको सिंपथेटिक पता है ना क्या करता है पैरासिंपथेटिक उसके अपोजिट करता है ना जो मेरे बच्चे हैं उन्हें याद है कि चिंटू की कहानी सुनाई थी आप लोगों को चिंटू की कहानी याद है ना बिल्कुल मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ बेटा आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं ना हार्ट रेट को बढ़ाएगा को को बढ़ाएगा respiratory rate को बढ़ाएगा parasympathetic कम करेगा सो द आंसर विल बी वन विच ऑफ द कॉज एन इंक्रीज इन सोडियम रिजॉर्पन इन द डिस्टल कॉन्वेलेटेड ट्रिब्यूल डीसीटी होता है डिस्टल कॉन्विटेड ट्रिब्यूल ये क्या होता है मैम किडनी में होता है किडनी में कहाँ पर नेफ्रॉन में होता है सोडियम का रीऑब्जॉर्ब कैसे इंक्रीज होता है 152, कौन सी चीज सोडियम आयन का इंक्रीज कर देगी वेरी गुड सो विल बी वॉट द आंसर विल बी इंक्रीज इन एल्डोस्टिरोन लेवल जैसे जैसे एल्डोस्टिरोन बढ़ेगा इंक्रीज इन लेवल ऑफ द एल्डोस्टिरोन इससे रिजॉर्बन हो जाएगा सोडियम का फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी थ्री सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ द ज्वाइंट विद द एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन स्कैलेटल सिस्टम ठीक है करेक्ट मैचिंग बता दो आप कौन सा सही सही मैच है बिल्कुल बिल्कुल एक ही सही मैच होगा चारों में से कौन सा सही मैच है टाइम देना पड़ेगा ना चारों ऑप्शन पढ़ रहे हैं बच्चे ठीक है पढ़ लिया क्या ऑप्शन वेरी गुड बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो ग्लाइडिंग जॉइंट ग्लाइडिंग ज्वाइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्पल है ना दिस इज दी करेक्ट मैच बाकी सब कुछ गलत गलत है सूचर्स होते हैं फाइब्रस जॉइंट होता है ठीक है नेक्स्ट स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन अकर्स एट ठीक है तो बेटा डेली क्लास शाम को सात बजे होती है यू कैन जॉइन स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन अकर्स एट कहां पर होगा यस वेरी गुड तो मसल फाइबर कहाँ स्टूलेट होगा है ना मोटर न्यूरॉन कहाँ करेगा न्यूरो न्यूरो जंक्शन ऐसा जंक्शन होता है मोटर न्यूरॉन और मसल के बीच का जंक्शन होता है जहां पर मोटर न्यूरॉन हो और साथ में क्या हो मसल फाइबर हो ऐसे जंक्शन को हम क्या बोलते हैं ऐसे जंक्शन को हम मोटर न्यूरॉन बोलते हैं ठीक है ठीके? मतलब ऐसे जंक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं यहाँ स्टिमुलेशन होता है इंजूरी लोकलाइज टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिसरप्ट हाइपोथैलेमस में इंज्यूरी हो गई फ्रंट फ्रंटल ब्रेन का पार्ट है ना अपना फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस में इंज्यूरी हो गई बेटा अब क्या क्या चीज हो जा हो, गड़बड़ हो जाएगी तो हाइपोथैलेमस का, का काम होता है हंगर का भूख लग रही है बता रहा है थर्ड प्यास से हो बता रहा है बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है

और आंसर देना है ठीक है वन फिफ्टी सिक्स का वन फिफ्टी सिक्स का आंसर देना है बताइए ठीक है हाँ तो नॉट करेक्ट बताना है आपको तो नॉट करेक्ट क्या है बताइए वन फिफ्टी सिक्स वेरी गुड रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी नहीं जी इट इज द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए इसीलिए तो विटामिन ए ज्यादा खाते जब नाइट ब्लाइंडनेस होती है है ना जब जेरोपथ होता है हॉर्मोन विथ इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन आपको हॉर्मोन आइडेंटिफाई करना है जहां पर सोर्स और फंक्शन करेक्टली मैचड है सोर्स और फंक्शन करेक्टली मैच होते हैं बिल्कुल सोर्स और फंक्शन कहाँ करेक्टली मैच है सारे ऑप्शंस पढ़ लो बेटा टाइम दे रही हूँ मैं बिल्कुल वन के लिए ओके सो so 157 का क्या आंसर होगा इट वुड बी टू जो मेलाटोनिन है ये हार्मोन का नाम है कौन सी ग्लैंड से होता है पीनियल ग्लैंड से होता है और ये रेगुलेट करता है बॉडी की नॉर्मल रिदम 247 जो अपनी वेक स्लीप वेक साइकिल होती है वो यही मेंटेन करता है फाइट फ्लाइट और एक और आता है इसमें 3 एफ में फ्राइट या तो लड़ेगा या तो भागेगा या तो डरेगा ये रिएक्शन किसका एक्टिवेशन करते हैं वन फिफ्टी एट ठीक है किसका एक्टिवेशन होता है बेटा इससे बताइए किसका एक्टिवेशन होगा क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी एट किसका एक्टिवेशन होगा अमेजिंग तो इससे एड्रीनल मेड्यूला का एक्टिवेशन होगा है ना जहां से एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन या फिर क्या बोलोगे आप इसको एड्रीनलिन एड्रीनलिन रिलीज होगा नेक्स्ट प्रोडक्टिव एंड यूरिनरी पूछ रहे हैं कि ह्यूमन मेल है समझो इनकी भावनाओं को इन्होंने स्पेलिंग गलत लिखी यहाँ पे ह्यूमन मेल है ठीक है तो जो ह्यूमन मेल है उसमें वो पूछ रहे हैं कि टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम की कॉमन डक्ट बतानी है बेसिकली तो द आंसर हियर इज यूरेथ्रा, द आंसर हियर इज यूरेथ्रा, ठीक है ह्यूमन मेल में यूरेथ्रा इज कॉमन मतलब यूरिन भी कैरी करेगी स्पर्म भी कैरी करेगी ठीक है द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस लूटियम इज टू प्रोड्यूस कॉर्पस लूटियम क्या प्रोड्यूस करता है कॉर्पस न्यूटियम क्या प्रोड्यूस करेगा क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी तो कॉर्पस लूटियम इज द टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करेगी व्हाट विल इज रिलीज प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करेगी तो so, बहुत बढ़िया बेटा अमेजिंग तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि हमने 91 से 160 तक क्वेश्चन करे मतलब हमने आज 70 क्वेश्चंस करे हैं 70 क्वेश्चंस करे मतलब हर क्वेश्चन का वेटेज है चार मार्क्स मतलब आपने टू एट्टी मार्क्स के आज क्वेश्चन करें अब आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि टू एट्टी में से आपके कितने मार्क्स आए हैं मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बोला था कि मार्क्स कैलकुलेट करना है ठीक है ठीक है वेरी गुड तो ये क्लास बेटा डेली शाम को सात बजे होती है ये क्लास डेली शाम को सात बजे होती है आप डेली शाम को सात बजे आया करें कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ट्वेल्व नून देर विल बी इंटरव्यू जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपकी लास्ट मिनट की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए और अगर आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक वीडियो है ना अगर जितने लाइक्स आते हैं तो टीचर को भी लगता है बच्चों को पसंद आया है बच्चों को समझ आया है तो इफ यू रियली It nicely. तुम्हें मजा आया है तुम्हें हर चीज का डाउट क्लियर हुआ है minutes में questions solve कर जो अकेले सोल्व करना कंपेरेटिवली डिफिकल्ट रहता है ओके सो कैन यू टेल मी योर मार्क्स इन दमेंट बॉक्स कल शाम को सात बजे मॉक डे मॉक फाइव होगा मैंने आपको चैलेंज करा है कि नीट तक कौन बच्चा फोर्टी फिफ्टी फुल सिलेबस मॉक कर सकता है मैम के साथ क्या आप वो है जो फुल सिलेबस मॉक कर सकते हैं फोर्टी फिफ्टी क्या आप वो बच्चे हैं जो अपनी एक्यूरेसी को इस सेशन से इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या आप है जो नीट में थ्री फोर्टी प्लस ला सकते हैं बायोलॉजी में ये कंसर्न है अब जल्दी जल्दी मुझे अपने अपने मार्क्स बताइए और लेट मत आय्या करें है ना सात बजे शुरू होता है ना मैक्सिमम सेवन टू तक ज्वाइन कर लो ताकि सारे क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर पाओ ठीक है वेरी गुड अमेजिंग बेटा मेरे हिसाब से 200 प्लस मार्क्स तो होने ही चाहिए जिसके भी 200 प्लस मार्क्स है बोलूँगी गुड है इम्प्रूव और करेंगे पर इट इज गुड ओके तो कल 12 बजे आना मत भूलना कल दो यूट्यूब सेशन होंगे 12 बजे टॉपर्स इंटरव्यू लास्ट मिनट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एंड कल और क्या होगा जी कल होगा बिल्कुल कल शाम को सात बजे फिर मॉक होगा सो जॉइन ऑन सेवन पी एम अच्छा असलम बढ़िया है बेटा फिरोज पीयूष गर्वित वनीता हिमांशु स्निग्धा ठीक है पल्लवी स्नेहा सोमू पैट्रिक विकास जिसके कम आए टेंशन मतलब हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे इस सेशन में पैट्रिक विकास सार्थक सिंगर सुंदरम बहुत अच्छे बहुत अच्छे कल अन अकेडमी ऐप पर 10 बजे मैं आपको एड्स टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ कल 10 बजे अन अकेडमी ऐप पर आप अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक है आप मुझे फॉलो कर लो अन अकेडमी पर ताकि आपको मेरे सारे सेशंस मिल जाए प्री सेशंस हैं बिल्कुल यू कैन यूज द कोड डॉक्टर प्रणाली द कोड इज डी आर प्रणाली P -R -A -N -A -L -I, live. इससे आप को ज्वाइन कर लो और कल मेरी क्लास है दस बजे बिल्कुल इंजॉय करो विकास अलकेश सिया मंजू आर टू सिंगर वेरी गुड सो गाइज डोंट फर्गेट टू लाइक दी सेशन हर शाम को सात बजे सेवन पी एम विथ पी एम मैम कल आ जाना शाम को सात बजे फिर से फुल सिलेबस मॉक करेंगे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर कल मिलते हैं दिन को बारह बजे फॉर टॉपर्स इंटरव्यू एंड शाम को सात बजे फॉर दुल सिलेबस मॉक बाय बाय टेक केयर एवरी